हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर आपको पसंद, तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो आप जरूर करेंगे। हो सके तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बिल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए, ताकि हमारी टेक रिलेटेड वीडियोज पहुँच जाए आप तक सबसे पहले। तो आज की वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं बताने वाला हूँ एक नया इंटरनेट के बारे में। ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे पता चला है टेक्निकल सागर जो यूट्यूब चैनल है, मतलब सागर सर जो हैं, उनकी वजह से। वाकई में उनके चैनल पर सबसे पहले ये वीडियो आया था, तब जाके जब मैंने देखा और उस चीज़ के बारे में गूगल पे जाके बहुत सी सर्च किए, तब जाके मुझे कुछ रिजल्ट्स मिला। तो उसी वीडियो को मैंने पहले देखा, फिर रिसर्च किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। टेक्निकल सागर जी ने अपने वीडियो में बहुत सी टेक्निकल लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हर बार एग्जाम्पल और सही एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आएगा आपको पूरी पूरी समझ में। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो की सीधा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेच इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर आपको समझना है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा जो अभी की इंटरनेट है जो हम सब यूज करते हैं, ये बनाया किसने था। जो टीम बिल्डिंग है उन्होंने बनाया था इंटरनेट, और वो अभी भी जिंदा है। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि उन जैसे इंसान आज भी जिंदा है और हमारे बीच है, और इंटरनेट को लेके उनको एक नई सोच आई है जिसके बारे में वो काम करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो इस टाइम का इंटरनेट है ये कैसे काम करता है। इंटरनेट जो है वो बड़ी बड़ी डेटा बैंक्स या फिर डेटा सेक्टर आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं लगा हुआ होता है बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क जो होती हैं कई लाखों हजारों करोड़ों टेराबाइट्स की। एक हार्ड डिस्क तो नहीं होता, वहाँ पूरी भंडार लगी हुई होती है, और उन रूम्स को रखना होता है कूल। तो ऐसे में एसी वगैरह बहुत सी चीज़ों को काम में लिया जाता है उनको कूल रखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं ये प्रोसेसिंग कैसे होता है। जब आपने इंटरनेट का पैक रिचार्ज किया और फिर अपना डेटा ऑन किया और यहाँ पे गूगल पे जाके कुछ सर्व किया, तो उस डेटा सेंटर के अंदर मौजूद जो डेटा होता है उसकी जो आईपी होता है और इस सर्च इंजन में लिखा हुआ आईपी होता है, वो दोनों मैच करते ही आपके सामने उस डेटा का एक वेबसाइट फॉर्मेट आ जाता है, जिसके ज़रिए आप अगर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सीधा उसी पेज से। अब यहाँ पे जो नई चीज़ सामने आई है वो है ऑफलाइन। आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट ऑफलाइन कैसे हो सकता है। इंटरनेट अगर ऑफलाइन हो जाए तो आपकी जो डेटा है वो कोई देख नहीं पाएगा। आप समझ नहीं पाए होंगे कि परफेक्ट मैंने क्या कहा। मान लीजिए आप फेसबुक कर रहे हैं और आपकी जो डेटा है वो एक डेटा सेंटर में मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे में आपने अभी लॉग आउट कर दिया, तो अब आप उस डेटा को सार्फ नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, डेटा सेंटर से जो डेटा आ रहा था उन्होंने उस डेटा को भी ऑफलाइन कर दिया। बिल्कुल नहीं, आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन ही है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अब कब जाके अपने फ़ोन में लॉग इन कर लोगे, और उनको अगर पता नहीं है तो वो उसी टाइम पर आपकी डेटा को ऑन नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी जो डेटा है वो 24 आवर्स ऑनलाइन ही रहता है, बस आपको उस पर उसकी एक्सेस को लेने की ज़रूरत है। जैसे आप उसको एक्सेस ले लेते हो, काम में ले लेते हो, वैसे ही वो बन जाता है ऑनलाइन। यहाँ पे पूरी चीज़ ऑनलाइन ही रहती है, सिर्फ आपकी लॉग आउट या फिर लॉग इन करने से आगे वाले बंदे को समझ में आता है कि आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। वैसे में इंटरनेट में ऑफलाइन चीज़ जो है वो बहुत ही कम है, ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही हैं, क्योंकि जो चीज़ हमेशा एक्टिव रहता है उसी को ऑनलाइन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इस नई इंटरनेट की। इस नई जो इंटरनेट के बारे में सोच आया है ये जो है ये इंटरनेट कोई डेटा सेंटर डेटा बैंक कुछ भी नहीं लेगा। ऐसा इसीलिए कि यहाँ पे टीम बर्डली जो है उन्होंने सोचा है आपकी डेटा को फ्रॉड होने से कैसे बचाए। तो इसके सबसे सहज और एकदम सीधा जो तरीका था वो था आप खुद ही, अगर आप FB, WhatsApp कुछ भी जगहों पे कुछ चीज़ें अपलोड करते हो तो वो जो चीज़ें होता है वो डेटा सेंटर में स्टोर होती है। अगर ऐसा ना करके
आप ही का फोन का कुछ स्टोरेज ले लिया जाए उन चीजों को स्टोर करने में, तो क्या होगा? डेटा सेंटर की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे में आपकी जो प्राइवेसी है वो आपके पास होगा, यानी आपकी डेटा का पूरा जो एक्सेस है, आपने जो भी कुछ किया है वो पूरा स्टोर होगा आपके पास। और यहाँ पे आएगा ऑफलाइन सबसे बड़ा दिक्कत या प्रॉब्लम बन के, क्योंकि आपके फ़ोन में अगर वो सब कुछ है तो आपने जब तक फेसबुक व्हाट्सएप को यूज़ किया तभी तक लोगों के साथ आपका डेटा आपने चाहा तब भी शेयर किया। यहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं होगा कि कोई चाहेगा तो आपकी प्रोफाइल में एंटर मार देगा, आपकी प्रोफाइल की सारी फ़ोटोज़ देख लेगा, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए आपको परमिशन देना होगा तभी वो यानी आगे वाला बंदा आपकी प्रोफाइल में एंटर कर पाएगा। तो साफ सी चीज़ें हैं, ये चीज़ की वजह से जब आप ऑफलाइन रहोगे तो आपका डेटा भी ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो और आपका पूरा डेटा आपके स्मार्टफोन में ही है, तो ऐसे में कोई आपको इंटरनेट पे देख ही नहीं पाएगा। इससे एक दिक्कत तो हो सकती है, इंटरनेट पे जैसे किसी को ट्रेस किया जाता था वैसे ट्रेस नहीं किया जाएगा। और ये चीज़ उम्मीद की जरिए 2019 की पहले टाइम में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फरवरी जनवरी फरवरी करके इस चीज़ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहूँगा, देखिए ये जो इंटरनेट है ये बहुत ही अच्छी एक सोच है, और इसके लिए अलग अलग डेवलपर भी लगेंगे, अलग अलग डिज़ाइनर, अलग अलग मॉड्यूलर, ठीक है, बहुत सी लोगों को नई जॉब्स मिलने वाली हैं उनके टैलेंट के हिसाब से, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे अगर इंटरनेट आप प्रॉपर्ली यूज़ करें और इस चीज़ को गंदा ना करने के बारे में सोचें, ये पूरी हम पे डिपेंडेंट होगी कि हम अगर इस चीज़ को गंदा करने के बारे में सोचेंगे तो ये चीज़ गंदा होगा, और अगर हम इसको साफ सुथरा क्लीन रखेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन रहेगा, क्योंकि इसका डेटा सेंटर हम है, तो हम अगर इसमें कचरा नहीं करते हैं तो कोई नहीं कर पाएगा। आपकी डेटा का मालिक आप हो, तो नया जो इंटरनेट सिस्टम आया है आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको, क्या आपको लगता है इससे जो आपकी डेटा है वो और सिक्योर प्राइवेट बन सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।